और भी ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हिंदी वेब चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। अब दोस्तों आप अपना एंड गोल किसी को भी बिना चिंता किए दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा तरीका लाया हूँ जिसके जरिए यदि आप अपने एंड गोल को किसी को भी रीच करने के लिए देते हैं तो आप उसकी पूरी जानकारी निकाल सकते हैं कि उसने आपके मोबाइल के अंदर क्या क्या ओपन किया है और उसने क्या क्या आपके मोबाइल के अंदर किया है। तो इस प्रकार से आप अपने एंड मोबाइल की पूरी डिटेल निकाल सकते हैं। तो ज्यादा जानने के लिए दोस्तों आप ये वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए जिससे कि आप अपने एंड मोबाइल की पूरी डिटेल निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पे एक ऐप को अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करना है जिसका नाम है हिडन स्क्रीन रिकॉर्डर। तो मैंने इसको अपने मोबाइल के अंदर पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। यदि आपने इसको अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल नहीं किया तो सबसे पहले आपको इस ऐप को अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करना है और इसके बाद आपको इसको ओपन करना है। और ओपन करने के बाद यदि आपसे यहाँ पे कुछ परमिशन मांगे तो इसको यहाँ से आपको अलाउ करना है और अलाउ करने के बाद आप इस ऐप के जो फंक्शन है उसका उपयोग आप कर सकते हैं। तो इसके अंदर जाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने जो पासवर्ड है वो क्रिएट करने पड़ेंगे और पासवर्ड को आपको फिर कंफर्म करना है, तब जाके आप इसके अंदर एंटर हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपने पासवर्ड लगा लिए। उसके बाद आपको स्किप पे क्लिक करना है और इसके बाद यदि दोस्तों आप अपने डिस्प्ले को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। पर इसके पहले दोस्तों मैं आपको बता लूँ उसकी जो सेटिंग है वो आपको करनी जरूरी है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सेटिंग का आइकन मिल जाता है, आपको उस पर क्लिक करना है और उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो जितनी भी सेटिंग है उसको यहाँ से लो करना है ताकि आपकी जो मेमोरी का स्पेस है वो कम से कम यूज हो। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ से इस प्रकार से सभी को कम कर लेता हूँ। और इसके बाद यदि आप अपने ऑडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसको यहाँ से ऑन कर सकते हैं, यहाँ से अपना जो नोटिफिकेशन है उसको रिमूव करना चाहते हैं रिमूव कर सकते हैं, स्टेटस बार को यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं उसको भी रिमूव कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ये है कि यदि आप इस ऐप को हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ से अपने वीडियो को भी हाइड कर सकते हैं। इस सब को सेटिंग करने के बाद आपको वापस बैक आना है और बैक आने के बाद यदि आप अपनी जो डिस्प्ले को रिकॉर्ड करते हैं तो उसके जो वीडियो देखने हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। पर इससे पहले दोस्तों आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आपका जो वीडियो है वो कितना लंबा होना चाहिए। तो इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें ड्यूरेशन का ऑप्शन मिल जाता है, हमें इस पे क्लिक करना है और आप जितने भी मिनट यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं उतने आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे मोड का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको उस पर क्लिक करना है और उस पर क्लिक करने के बाद आप जिसको भी यहाँ से रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो आप यहाँ से अपने अनुसार कर सकते हैं। तो यदि आप अपनी मनपसंद ऐप को यहाँ से रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है और उस पर क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग के अंदर जाना है और यहाँ से जो इसका जो ऐप की परमिशन है उसको यहाँ से इसके अंदर जाके ऑन करना है। तो चलिए हम इसके अंदर जाके आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे ये जो स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन है वो यहाँ पे हमें ऑफ दिखे दे रहा है, तो इसको हमें यहाँ से ऑन कर लेना है और ऑन करने के बाद हमें यहाँ से बैक जाना है और बैक जाने के बाद आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे क्लिक का ऑप्शन मिल जाता है। इसके द्वारा दोस्तों आप जिस भी ऐप को रिकॉर्ड करना चाहते हैं आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको सब ऐप को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, मतलब आप मनपसंद ऐप को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, केवल उसकी रिकॉर्डिंग आपको शो होगी। जैसे कि आप चाहते कि यदि आप किसी को अपना मोबाइल देते हैं तो आप जानना चाहते कि उसने आपके व्हाट्सएप के अंदर क्या किया तो आप अपने व्हाट्सएप को यहाँ से ऑन कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप जिस भी ऐप को यहाँ से ऑन करना चाहते हैं उसको यहाँ से ऑन कर सकते हैं, जैसे फेसबुक है इंस्टाग्राम है उसको यहाँ से ऑन कर सकते हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि उसने आपके किस ऐप के अंदर जाके क्या क्या किया। तो इस प्रकार से आप उसकी पूरी जानकारी निकाल सकते हैं। इसके बाद यदि आप किसी को भी अपना मोबाइल देते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जो रिकॉर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है आपको उस पर क्लिक करना है जिससे कि आपका जो मोबाइल है वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। यदि दोस्तों इसको यहाँ से आप हाइड करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे सेटिंग के अंदर आपको ऑप्शन बता लिए हैं जिससे कि आप इन ऑप्शन को हाइड भी कर सकते हैं, आपका जो नोटिफिकेशन है उसको भी हाइड कर सकते हैं। इस प्रकार से यदि आप अपने एंड मोबाइल को किसी को भी दे सकते हैं और देकर आप उसकी पूरी जानकारी निकाल सकते हैं कि उसने आपके मोबाइल के अंदर क्या क्या किया। यदि आप चाहते हैं कि आपको पूरे मोबाइल की रिकॉर्डिंग चाहिए तो इसके लिए आपको मोड पे क्लिक करना है और मोड पे क्लिक करने के बाद आपको जो फर्स्ट ऑप्शन है आपको उस पर क्लिक करना है।
जिससे कि आप सभी की रिकॉर्डिंग पा सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन पे क्लिक किया हुआ है, क्योंकि मुझे कुछ एप्लीकेशन है उसकी रिकॉर्डिंग चाहिए। यदि आप पूरे मोबाइल की रिकॉर्डिंग चाहिए तो आपको इसको यहाँ से ऑन करना है। इसके बाद यदि आप अपनी रिकॉर्डिंग को यहाँ से स्टॉप करना चाहते हैं तो स्टॉप कर सकते हैं, और स्टॉप करने के बाद यदि आपको देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन मिल जाता है। आप इस पे क्लिक करके आप अपनी रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे अपनी रिकॉर्डिंग मिल चुकी है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से अपनी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। और एक बात दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आपने ऐप को यहाँ पे सिलेक्ट किया तो जब आप ऐप के अंदर जाओगे तभी आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो ऑन होगी। यदि आप इसको डिफॉल्ट करते तो आपकी जितनी भी मोबाइल की डिस्प्ले है वो सब रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। तो यदि आप इसको जिस प्रकार से सेट करना चाहते हैं उस प्रकार से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस ऐप को यूज करना बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आपको यहाँ से अपने हिसाब से सेटिंग को ऑन करना है। उसके बाद आप यहाँ से अपनी जो जिस भी ऐप को रिकॉर्ड करना चाहते हैं या पूरे मोबाइल को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इसके हिसाब से आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपने टाइमिंग को सिलेक्ट करना है कि आपको मैक्सिमम वीडियो कितने मिनट का चाहिए, और उसके बाद आपको रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, जिससे कि आपकी जो मोबाइल की डिस्प्ले है वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाती है। और शुरू होने के बाद यदि आप उसको स्टॉप कर लेते हैं तो स्टॉप करने के बाद आपका जो वीडियो है वो आपको गैलरी के अंदर शो हो जाता है। इस ऐप का उपयोग आप अपने मोबाइल की सेफ्टी के लिए भी कर सकते हैं, और यदि आप अपने मोबाइल की डिस्प्ले को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप इस ऐप के द्वारा अपने मोबाइल की डिस्प्ले को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। थैंक यू।